भाग्य और कुछ नहीं, पुरुषार्थ की छाया मात्र है। कर्मशील व्यक्ति का भाग्य अनुचर की तरह उसके पीछे पीछे फिरता है। गंभीरता पूर्वक अपनी कार्य पद्धति एवं विचारधारा में रहने वाली त्रुटियों को ढूंढना चाहिए और उनके सुधारने के लिए तत्परता पूर्वक कटिबद्ध हो जाना चाहिए। हमारा भाग्योदय होकर रहेगा, भाग्यवान बनकर रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण, श्रीमद् भगवद गीता। स्वावलंबन का लक्ष्य व्यक्ति को संपन्न, समृद्ध व धनाढ्य बनाना नहीं है, बल्कि उसे ब्राह्मणोचित जीवन यापन के लिए समर्थ बनाना है। सादगी एवं संयम के साथ सम्मान पूर्वक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर सकता है, इसके लिए उसे तैयार करना है। लेखक। पुस्तक का नाम आर्थिक स्वावलंबन भाग एक। पुस्तक परिचय। किसी भी देश की खुशहाली उस देश के स्वावलंबी नागरिकों पर टिकी होती है। यही कारण है कि युग निर्माण मिशन ने अभाव रूपी महादैत्य से जूझने के लिए रचनात्मक अभियान को सुनियोजित व व्यवस्थित रूप देकर विगत कई वर्षों से उसका व्यापक तंत्र खड़ा करने की पहल की है। इसका उद्देश्य ऐसी विधि व्यवस्थाओं को खड़ा करना है जिसमें बेरोजगारी व गरीबी से ग्रस्त बहुसंख्यक समाज अपने अभाव को मिटाने व स्वावलंबी बनने में समर्थ हो सकें। पुस्तक पर आधारित प्रश्न। गरीबी का मूल कारण क्या है? अदक्षता किसे कहते हैं? कर्म से भाग्य का निर्माण किस प्रकार संभव है? गरीबी से छुटकारा पाने में श्रम क्या भूमिका निभाता है? उद्योगों का चयन कैसे करें? इच्छाओं और आवश्यकताओं में क्या अंतर है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक पुस्तक जो स्वावलंबन पर आधारित पाठ्य सामग्री का प्रथम भाग है, जिसमें ऋषि चिंतन पर आधारित स्वावलंबन एवं कुटीर उद्योग की अवधारणा व तत्व दर्शन से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है। पुस्तक के कुछ अंश। पहला, कुटीर उद्योग को हर घर में स्थान मिले, हर खाली हाथ को काम मिले। दूसरा, जो व्यक्ति श्रम को हीन मानता है वह उद्यमी हो ही नहीं सकता। श्रम से बचने की प्रवृत्ति उसे आलसी, रोगी, कमजोर बना देंगी, वह परावलंबी हो जाएगा। तीसरा, उद्योगों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग प्रकृति के साथ यज्ञ मानसिकता से किया जाए। चौथा, मनुष्य की सामर्थ्य असाधारण है, उसका पूरा उपयोग बन पड़ने पर वह निर्वाह की मौलिक आवश्यकताओं में कमी पड़ने जैसी दुर्घटना घटित नहीं हो सकती। पांचवा, मनुष्य के भीतर अनंत शक्तियों का समुद्र लहरा रहा है, यदि वह अपनी शक्तियों का सदुपयोग करे तो वह उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंच सकता है। पुरुषार्थ में परिस्थितियों को बदल डालने की पूरी पूरी सामर्थ्य विद्यमान है। मानव के पुरुषार्थ को जागृत करने के लिए ही भगवान ने उसके भविष्य को गोपनीय रखा है। छठा, समय को बर्बाद करने वाला और श्रम से जी चुराने वाला अपना शत्रु आप है, उसे बाहरी शत्रुओं की क्या आवश्यकता है? अपनी बर्बादी के लिए यह दो दुर्गुण जिसने पाल रखे हैं, उसे शनि और राहु की दशा की प्रतीक्षा न करनी पड़ेगी। उसके ऊपर साढ़े साती नहीं, अजर अमर सत्यानाशी शनि देवता सदा ही चढ़े रहेंगे। राहु का दुर्दिन स्थायी रूप से उसके सर पर मंडराता रहेगा। पुस्तक के कुछ बिंदु। श्रमशीलता को स्वावलंबन का आधार बनाना होगा। बेरोजगारी निवारण हेतु कुटीर उद्योगों का सहारा। उद्योगों का चयन कैसे करें? गोपालन को कृषि के सहायक उद्योग के रूप में अपनाएं। बेकरी उत्पादन, अन्य उत्पादन। लेखक परिचय, क्रिएटिव सेल, ग्राम प्रबंधन प्रभाग, शांति कुंज, हरिद्वार।